हे दोस्तों, आज मैंने जियो फोन 3 को देखा कि कैसा हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भी जियो फोन 3 को देखेंगे तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि सही में ऐसा भी जियो फोन 3 हो सकता है। जी दोस्तों, आप सभी को पता है कि जियो फोन 1 आया, जियो फोन 2 आया, उसके बाद अब जो जियो है लॉन्च करने जा रही है जियो फोन 3। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब पर आजकल उसका जो स्ट्रेटेजी छाया हुआ कि आपको जियो फोन 3 कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों, यदि आप यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियो देखे होंगे अभी तक, तो जियो फोन 3 को आपको ऐसा दिखा जा रहा होगा जैसे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वैसा भी फोन भी फ्यूचर में आने वाला होगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। वैसा सैमसंग एप्पल ने भी नहीं निकाला जैसा आपको जियो फोन 3 दिखाया जा रहा। और जो उसका प्राइस बताया जा रहा है, मात्र 4500 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 4500, मात्र 45 रुपये में आपको जियो फोन 3 दिया जा रहा है। तो ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है? आपको उसमें दिखा जाएगा कि 35 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा, कोई कह रहा है 30 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक रियलिटी बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, का जो प्राइस रखा जाएगा जियो फोन 3 का, मुझे अपने दोस्तों से पता चला है कि जो कहते हैं कि जिसका जो प्राइस रखा जाएगा जियो फोन 3 का, वो 6000 रुपये रखा जाएगा। और 6000 पीस रखा जाएगा दोस्तों, क्योंकि यदि आप इससे अच्छे फ़ोन लेना चाहेंगे तो आपको रियलमी 2 भी मिल जाता है, ओप्पो का फ़ोन आता है, वीवो का फ़ोन आता है, बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आपको 5-6000 में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो प्राइस इसका रखा जाएगा आपको लगभग 6000 के आसपास रखा जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि सही में जो यूट्यूब पर दिखा रहे 35 मेगापिक्सल कैमरा, 30 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा आपको मिलेगा, ये आपको जो 845 स्नैपड्रैगन मिलेगा, जो क्वालकॉम का प्रोसेसर वो मिलेगा, ऐसा है या नहीं, आज हम वही चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी का फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बगल में बेल का आइकन आएगा, उसे दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जियो की तरफ से जो खबर आ रही है दोस्तों, इसकी जो रियलिटी प्राइस रखा जाएगा, रियल जो प्राइस रखा जाएगा वो 5000 से लेकर 6000 के बीच में रखा जाएगा, या 4000 से लगभग 6000 से नीचे रखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये 6000 से ऊपर जो प्राइस लगता है और उस अनुसार से उसका जो फीचर्स नहीं देता है, स्पेसिफिकेशन नहीं देता है, तो उस फोन को कोई भी नहीं लेगा। जैसे कि आपको पता है कि जियो फोन 1, जियो फोन 2 बहुत ज़्यादा बिके हैं और इंडिया के नंबर 1 जो स्मार्टफोन है फीचर्स स्मार्टफोन में वो गिना जाता है, और बिकने वाला भी ज़्यादा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बन चुका है। इसी कारण दोस्तों, आप जियो फोन 3 लाने की बात हो रही है और इसमें दोस्तों जो प्राइस होगा लगभग मेरे अनुसार और मेरे फ्रेंड्स के अनुसार, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर बता रहे हैं उनके अनुसार, लगभग 4000 से लेकर 6000 बीच में रहेगा। और जिसका जो स्पेसिफिकेशन दोस्तों, मैं आपको लगभग अप्रोक्स उसे बताने वाला हूं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर अभी कंफर्म डिटेल नहीं है, लेकिन दोस्तों जो यूट्यूब आजकल चल रहा है वो आपको दिखाता हूं। पहले बोल रहे हैं सब लोग कि आपको इसमें 35 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, 60 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलेगा, आपको सेकेंडरी कैमरा 40 मेगापिक्सल मिलेगा, जो फ्रंट में आपको जो कैमरा मिलेगा वो 35 मेगापिक्सल मिलेगा। इस तरह से आपको बना बना के दिखा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही गजब का स्मार्टफोन दिखा रहे हैं। जैसा कि अभी तक इंडिया में वैसा फोन लॉन्च भी नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड लॉन्च नहीं हुआ। हाँ जी दोस्तों, ऐसा फोन अभी तक पूरे वर्ल्ड में लॉन्च नहीं हुआ जैसा कि दिखा रहे जियो का, वो बहुत ही कमाल का फोन है। देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, ऐसा फोन मैं आपको कुछ झलक दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर देखिएगा। क्योंकि यदि आप ऐसा देखेंगे फोन तो आपको भी लगा कि वाह क्या फोन है, क्या गजब का फोन है, इस तरह से देखने में लगेगा, तो आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, इसका जो प्राइस लगभग रखा है 4 से 5000 रखा जाएगा उसके बीच में। ऐसे दोस्तों, कैमरा होगा लगभग मेरे अनुसार से 8 मेगापिक्सल का जो रियर कैमरा होगा, और फ्रंट कैमरा आपको भी 8 मेगापिक्सल या लगभग उतना ही के आसपास देखने को मिलेगा। उससे जो बैटरी मिलेगा आपको दोस्तों 3800 mAh के आसपास मिलेगा। और जो इसका प्रोसेसर बात करें दोस्तों, तो इसमें स्पेक्ट्रम कौन सा एक प्रोसेसर आया है उसका बात की जा रही है, लेकिन दोस्तों कन्फर्म नहीं है कि कौन सा प्रोसेसर यूज होगा। और जो इस कंपनी को बनाने वाली है, चाहे माइक्रोमैक्स बनाए चाहे लावा बनाए, ये दोनों में से कोई ही कंपनी बनाने वाली है। यहाँ पर जियो ने और स्पेक्ट्रम जो प्रोसेसर आती है उन्होंने दोनों टाई अप किया है और दोनों मिलकर इस फोन को लॉन्च करने वाले हैं जियो की मदद से। तो यहाँ पर आपको जियो फोन 3 इतना देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब पर आजकल हवा बना हुआ है कि आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा फोन होगा, आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, इस तरह से आपको फोन देखने को मिलता है। तो देखते हैं क्या है रियलिटी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो से ज्यादा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, जो भी अभी जियो फोन 1, जियो फोन 2 यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।